महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, मेरा नाम सुखदेव गिरी है, मैं हिमाचल ऊना से आया हूँ जी। तो पहले एक शिविर फरीदाबाद में एक दिन का हुआ था, वहाँ भी आया था। तो वहाँ आने के बाद जो मेरे को कुछ अनुभव आए हैं वो बताना चाहता हूँ। महाराज बिल्कुल बताइए, हमें भी अच्छा लगेगा। महाराज जैसे ही आप उस दिन आए सभा में, तो मेरे जो मूलाधार चक्कर है वहाँ पे बहुत तेज गर्मी पैदा हुई, तो काफ़ी देर रही। तो अगले दिन जब आप यहाँ ध्यान पे बिठाया तो हृदय चक्कर में काफ़ी जलन महसूस हुई। तो उसके बाद जब मैं वापस चला गया तो वहाँ ध्यान कर रहा था, तो एक दिन ध्यान में बैठे तो मेरे को आकाश में ना भगवान शंकर के दर्शन हुए, उनका नीला वर्ण था और ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तो एक दिन और क्या हुआ कि जैसे मैं ध्यान कर रहा हूँ तो महाराज मेरे को ऐसा लगा कि हृदय चक्र यानी पीठ है ना, उसके पीछे बड़ी ज़बरदस्त अग्नि पैदा हो गई। तो मैं पहले डर गया, मैंने सोचा शायद गर्मी के कारण पित्त वगैरह हो, पर नहीं, वैसा कुछ नहीं था। तो कल भी ऐसे ही हुआ ध्यान में, सुबह आज तो जब मैं ध्यान में बैठा हुआ तो महाराज मेरे को ऐसा लगा कि बाहर ना मैं देख रहा हूँ बहुत भारी हाथी है, उसके ऊपर भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की झलक मेरे को दिखाई थी। तो ये मेरे अनुभव आए महाराज जी। देखो आप मान लो स्वयं सन्यासी भी हैं और शिविर में आए, तो ये जो अनुभूतियाँ हो रही हैं, आप ध्यान पहले भी करते रहे होंगे ध्यान जी महाराज? हाँ, तो पहले भी आप ध्यान करते हैं और यहाँ शिविर में आए, जो हम मंत्र बोलते हैं तो शक्तिपात भी होता है, या यहाँ जो शुद्धता का वातावरण, जैसे अभी सभी साधक लोग एक साथ मंत्र बोलते हैं तो उस शुद्धता का या मंत्र का प्रभाव सभी साधकों पर पड़ता, उसका भी प्रभाव होता, तभी यहाँ पर कुछ समय के लिए जब तक रहते हैं साधना अच्छी होने लगती, अर्थात शुद्धता को लेकर के जाते हैं, योग बल को लेकर के जाते हैं, तो उसके प्रभाव से भी आपको यानी थोड़ा सहयोग मिला आगे बढ़ने को। जो आपने अनुभव सुनाए बड़े अच्छे हैं, ज़्यादातर ऐसे अनुभव हृदय चक्र से संबंधित होते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप साधना में लगे रहें, और अच्छी बात है कि आपको अनुभव आते हैं, इससे आपको प्रसन्नता भी बढ़ती होगी जी महाराज। तो हाँ, आप लगे रहें, अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा कि आपको अनुभव आते हैं जी महाराज, कृपा बनाए रखना। हाँ, प्राणायाम आप करते हैं क्या? हाँ, प्राणायाम महाराज पहले करता था, फिर 2 मिनट का लगाता था मैं कुंभक ना जी। जब मैं मार्च महीने में देखा आपका प्रोग्राम यूट्यूब में पहली बार, तब मैं प्राणायाम करने लगा, तो 2 मिनट का कुंभक लगता था। तो 2 मिनट में ऐसे होता है, जब 1.5 मिनट के बाद तो ऐसे लगता है कि शरीर से सब कुछ निकल रहा, फिर तो कभी पेट में अंदर करना बाहर करना, कभी जलंधर बंद मूल बंद तीनों इकट्ठे लगाने भी टाइम बढ़े, ऐसे करता था महाराज। अच्छा अच्छा पहला कुंभक कितनी देर? 2 मिनट का? 2 मिनट का लगता था, पर महाराज जैसे मैं प्राणायाम करता था ना, तो पहला कुंभक लगाया 2 मिनट का लगा, तो 5-10 सेकंड रुक जाता था, फिर दोबारा आगे करता था। 5-10 सेकंड क्या करते थे? रुक जाता था। अच्छा अच्छा ये काम ना करें। हाँ हाँ मैं समझ गया, आप लगातार करें, रुके नहीं, इससे क्या, तो रुकने से ये जो शरीर है ना, इसको आराम, रिलैक्स, रेस्ट मिल जाता है, मतलब आराम मिल जाता है, तो फिर आपका कुंभक और बढ़ जाएगा। आप लगातार करें, जब लगातार करेंगे ना तो धीरे धीरे आपके शरीर की गर्मी बढ़ेगी, और वो गर्मी यानी जो एकदम से अंदर जो आप प्राणों को रोक रहे हैं, वो आपके अंतःकरण या चित्त की अशुद्धता को नाश करेगी। जो ये नहीं घबराहट होती है, ये जो घबराहट होती है ये चित्त की अशुद्धता को नाश करता है। लेकिन अगर आप 5-10 सेकंड या 20 सेकंड रुक गए तो आपका शरीर फिर एकदम से आराम हो गया, नहीं सही हो गया, नॉर्मल हो गया, फिर आप करेंगे कुंभक की अवध बढ़ जाएगी। ऐसे तो कुंभक की अवध बढ़ती जाएगी जब आप लगातार करेंगे अनुलोम विलोम, तो इससे क्या होगा कि आपकी कुंभक की अवध गिर जाएगी, अंदर घबराहट ज़्यादा होगी, ऐसा तमोगुण कर्मों के कारण या मलिनता के कारण होता है। तो आप रुके नहीं, 10-5 सेकंड जो रुकते हैं रुके नहीं, बल्कि लगातार प्राणायाम करें, इससे लाभ होगा, क्योंकि आपको साधना करना है। जो भी कुंभक की अवधि गिर जाए, पहले मान लो 2 मिनट होता है, फिर 1.5 मिनट को होगा, या लास्ट वाला 1 मिनट का रह जाएगा, कोई बात नहीं,
लेकिन लगातार करें तब आपको सही लाभ होगा, इससे आपका अंतःकरण जल्दी शुद्ध होगा। ठीक है जी महाराज जी, जी धन्यवाद जी, जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं जयपुर से आया। जी गुरु जी, पिछले महीने जब आप जयपुर आए थे तो एक प्रश्न था कि अहम के भाव को कम कैसे करें, तो आपने कहा कि किसी मंदिर या गुरुद्वारे में सेवाएं करेंगे या झाड़ू निकालेंगे, तो उसी दिन के बाद से पास में महादेव जी का मंदिर है तो मैं वहां जाता हूं, तो सुबह झाड़ू वगैरह निकालता हूं, तो इससे उसमें काफ़ी मेरे को फ़ायदा हुआ, मतलब अहम का भाव इतना नहीं आता है, झगड़ा भी नहीं होता है किसी के साथ, और साधना में भी उसमें मेरे को थोड़ा फ़ायदा हुआ। और एक प्रश्न था कि जो मंत्र है ओम शिव शक्ति ओम, ये सांस के साथ एनी टाइम चलता रहता है, जैसे कहीं जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ छोटा मोटा, तो सांस जैसे अंदर जाता है तो ओम, और जैसे सांस बाहर आता है शिव शक्ति, ओम शिव शक्ति ओम शिव शक्ति, तो ये क्या चलना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए, यानी अगर नहीं कहते कि अच्छा है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है, और फिर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो अच्छा ही अच्छा है। आपने उसके पहले कहा कि हम वही अहम भाव को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। मनुष्य को अगर श्रेष्ठ बनना है तो छोटे बन के रहो, मनुष्य को अगर श्रेष्ठ बनना है तो छोटे बन के रहो, आप बड़े बन जाएंगे। आप शुरू से ही अगर बड़े बनना चाहते हैं तो हो सकता है कि फिसल जाएं। तो ये बात अच्छी है कि ये जो जो भी सेवा भाव होता है करना बड़ी अच्छी बात है, ये भक्ति भाव के अंदर आता है। और अगर शुद्धता चित्त में या अंतःकरण में जल्दी लानी है तो मैं साधकों को कहूँगा थोड़ी से भक्ति भाव को अपना लो, शुद्धता जल्दी आ जाएगी। जी धन्यवाद जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।